हाय आदित्य, ऐसा बारिश में तो फंस गई। क्या बारिश में तो फंस गई? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। अदिति क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो? बैठे हैं। अच्छा हेलो, आवाज आ रही बच्चों? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या करवा रहे थे हम? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नए झंडे हम लोग का चल रहा था ना? यस मैम। ठीक, इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? कविता पढ़ी थी। ठीक, क्या पढ़े थे हम लोग इसमें बच्चों? बताइए, निकाल लीजिए सभी लोग। बच्चों इसमें हम लोग ने चिड़ियों का गीत पढ़ा था ना? कविता का क्या नाम था? चिड़ियों के गीत। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, निकाल लो सभी लोग, पेंसिल निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए। ठीक है, कौन सा मिल रहा है? सिद्धांत बात करना बंद करो बेटा, बहुत बात कर रहे हो। हम बता रहे हैं बेटा, निर्झरणी बुक का चैप्टर नंबर 5 चिड़ियों का गीत। ये कविता हो चुकी थी पूरी, समझा भी दिया गया था आपको। क्यों? हाँ मैंने कर ली। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके मैम। पहला है पेज नंबर 27 पे, पहला है दी गई पंक्तियों को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब आपके सामने पंक्ति दी गई है, उसको आपको पढ़ना है और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। स्टार्ट करें बच्चों। यस मैम। कोई दिक्कत नहीं? यस मैम। नो मैम। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती हूँ बस इतना सा ही है संसार। क्या करते हो? निकालना है बेटा, क्लास डिस्टर्ब करोगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। सिद्धांत को क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही तुमको बताओ? किसी बच्चों को दिक्कत हो रही है? तो इसमें क्या बताया गया है? आपका गद्यांश है, उसको पढ़कर हमने पढ़ा, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। चिड़िया का घर क्या बना है? घोंसला, पेड़ या आसमान? मैम घोंसला। मैम घोंसला। मैम घोंसला। घोंसला। पहले का हो जाएगा घोंसला। ठीक,
टिक कर लीजिएगा। यस मैम हो गया। सेकंड है, घोंसला किससे बनकर तैयार हुआ है? थर्ड है आपका, उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार चिड़िया ने संसार को कितना समझा? अपने अंडे के समान, अपने घोंसलों के समान, इनमें से कोई नहीं। मैम इनमें से कोई नहीं। अपने अंडे के समान। मैम बताओ। अपने घोंसलों के समान। इनमें से कोई नहीं। अंडे अपने घोंसले के समान, ठीक है? अपने घोंसले के समान। फिर है, ओ तैयार शब्द का तुकांत क्या होगा बताइए? नहीं सामग्री प्यार नहीं होता, ठीक है? तुकांत का मतलब होता है जैसे सेम शब्द। इसको इतना टिक कर लो फिर आगे करवाएं हम। इसको इतना करो फिर आगे हम टिक कराएं। नोटबुक में भी लिखना है बेटा। अभी सिर्फ पेंसिल से बुक पे टिक करो बेटा, पेंसिल से टिक करो बेटा, ठीक है? कर लिया मैम। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कर लिए? यस मैम। सब सब हो गया? रफ करें? यस मैम। यस रख कर रहे बेटा, ठीक है? ओके मैम। कहाँ से आया? पढ़िए। फिर है आपका उसके बाद मत बात करो बेटा, बीच बीच में मत बात किया करो। फिर है सेकंड, दी गई पंक्तियां पूर्ण कीजिए। क्या कहा जा रहा है? दी गई पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो क्या है? सबसे पहले, सबसे पहले तेरे घर का अंडे जैसा आकार। सबसे पहले मेरे घर का, सबसे पहले तेरे घर का अंडे। फिर उसके बाद क्या है? आकार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडे जैसा, ठीक? करो यहाँ तक। फिर नेक्स्ट लाइन क्या पूछा गया है? हम कर लिया। फिर है सेकंड, तब मैं क्या हो जाएगा? तब मैं यही समझती थी बस। तब मैं यही के बाद क्या हो जाएगा?
मैं यही समझती थी बस इतना सारी है सब। इतना सारी है संसार, इसको कर लो पूरा बेटा। पूरा करके बताओ। घर का अंडे जैसा था आकार तब मैं हो गया बच्चों सबका। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसका ना हुआ हो अभी? नो मैम। आरवान हो गया मैम? हो गया। चलो वॉक करें। यस मैम। फ्रेंड्स दो मिनट। चलो नेक्स्ट क्या है आप? कि सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है आपको, ठीक है? आपके सामने कुछ वाक्य दिया गया, उसमें सही तथा गलत का निशान लगाना है। थर्ड है सबसे पहले चिड़िया का घर बहुत छोटा था, सही कि गलत? मैम सही। मैम सही। फिर है चिड़िया का घोंसला फूलों व पत्तियों से बना हुआ था, गलत? मैम सही। गलत। अच्छी मॉडल सही नहीं होगा, ठीक है? घोंसले से निकलकर चिड़िया शाखाओं पर पहुंच गई। यस सही। शाखाएं सूखी हुई थी। नो मैम। नो मैम गलत। गलत। क्यों? मैम सही। मैम सही। सही सही। एक मिनट, जितने लोगों ने बोला गलत, क्यों गलत था बेटा? गलत है बेटा, गलत है मैम। गलत है। मैंने सही गलत किया मैम। क्यों? क्योंकि जो शाखाएं थी वो सूखी हुई नहीं थी, जबकि हरी भरी थी, ठीक है? हरी भरी सुकुमार जैसी थी, इसीलिए गलत है, ठीक है? फिर है चिड़िया आसमान में दूर तक उड़ी, सही कि गलत? मैम सही। मैम सही। 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 जब वह उड़ने लगी तो पता चला कि आसमान क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक? इसको कर लो फिर आगे हम कराएं। मैम सही है। मैम ना कर लीजिए। हाँ बोलो बोलो बेटा, कौन क्या कह रहा है? कोई दिक्कत है बच्चों आपको? नो मैम। नो मैम। रब करें बच्चों। यस मैम। गुड मॉर्निंग। फिर है आपका फोर, ठीक? इसमें क्या कहा गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए।
मतलब जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में देना है। पहला है, सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? अंडे जैसा था। अंडे जैसा था। अंडे जैसा था। आपका आंसर हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा है बेटा, इसे समझ में नहीं आ रहा है। अंडे जैसा था आकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? घोंसले से निकलकर चिड़िया कहाँ आई? मैम शाखाओं पर। तो क्या हो जाएगा? शाखों पर। फिर आपका प्रस्तुत कविता में चिड़िया की कितनी अवस्थाएं बताई गई है? मैम चार। माइक ऑफ कर दो, जिससे माइक आवाज कर रहा। अनिश माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो बेटा। फिर लास्ट आपका, चिड़िया को कब समझ आए कि संसार बहुत बड़ा है? जब वो उड़ी थी। जब वो दूर दूर अपने पंख फैला दी, उड़ी दूर तक पंख पसार। लिख लो यहाँ तक, फिर आगे कराए हम। लिख कर बताइए बच्चों। ड्रॉप करें। नो मैम। यस मैम। आधा वाला मैम अपना लैपटॉप और ब्लैक बोर्ड की ओर घुमा दीजिए। मैम सुन लिया बेटा। मैम हाँ मैम ऐसे ही बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या है आपका लास्ट? सही मिलान कीजिए ना, यही है ना?
कर लिया। दिख रहा है सबको? क्यों? यस मैम। पहले तो क्या हो जाएगा, मिलान कीजिए। सबसे पहले घर का मैम, मेरे घर का घर वाला मैम, सबसे पहले मेरा घर, मेरा घर का सबसे पहले मेरा घर का पहला। ठीक, सुनो आदिति संभवी, आपने पहला बता दिया है ना आदिति संभवी, अब आप नहीं बोलोगे, ठीक है बेटा? ओके मैम। चलिए नेक्स्ट कोई बताए, सेकंड क्या होगा? सूखे तिनको। मैं अर्पित बताऊंगा, सूखे तिनको। सूखे तिनको। आगे से तैयार, से तैयार, सॉरी अर्पित से तैयार। अब आप नहीं बताएंगे, ठीक है? ओके मैम। नहीं आ रहा मैम। मैं यही समझ लो मैम, मैं बोलू मैम, थर्ड वाला लास्ट वाले से मैच होगा। पूरा बोलो, पूरा बोलो बेटा, तुमने यही ऐसे बोलो। तब मैं यही समझता था, समझती थी, इतना साजी है और यही मैच करे, ये सही है। आरव आनंद। यस मैम। उड़ी दूर तक, हाँ उड़ी दूर तक पर। और लास्ट का जो बच्चा, ठीक है, बहुत बड़ा है या संसार? कर लो इतना, डन हो गया बच्चों का, हो गया बच्चों? नो मैम। मैम हो गया, हो गया सभी का, पक्का हो गया? नो मैम। अब देखो आपको क्या करना, मत बात करो बच्चों। देखो सबका ये वाला हो गया, पहले ये बताओ। यस मैम। मैम नहीं है वो। अच्छा करके बताओ तब बताएं हम।
ये खत्म माइक को मुझे नहीं क्या माइक को माइक वाले माइक वाले माइक वाले माइक कौन बाबू 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 माइक कौन है बाबू हो गया बच्चों अब मेरा हो गया सभी का हो गया आप लोगों ने कठिन शब्द शब्दार्थ किया था कविता लिखी थी कॉपी में कॉपी में आपको कविता शब्दार्थ और कठिन शब्द लिखने के लिए कहे थे उसको करने के बाद फर्स्ट वाला कॉपी में होगा सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना आज कराए हैं सब कॉपी में होगा और पूरा पूरा डाल के लिखिएगा ठीक है मेरी तरह इस तरह से मत कीजिएगा कि सही है तो सही गलत बस कर दो ठीक है पूरा वाक्य लिख के पूरा सही गलत करेंगे पूरा वाक्य लिख के एक शब्दों का उत्तर देंगे ठीक है सही गलत भी इसी तरह करेंगे रिक्त स्थान में डायरेक्ट रिक्त स्थान मत कर दीजिएगा ठीक है पूरा जब हो जाएगा तब कीजिएगा हाँ बोलो हम करना है हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा पहले जब तक एक एक लोग नहीं बोलोगे मैम जो सही चिन्ह वाला है उसमें जो लिखा है फिर मेरा घर बना ये भी लिखना है क्या चीज जो फर्स्ट लिखा है जो फर्स्ट वाला जो आपने कराया अभी जो आज आपने कराया है सही चिन्ह लगाइए फिर मेरा घर बना जैसा वो भी लिखना है पूरा पूरा लिखना है आपको सब कुछ पूरा लिखना है ठीक है अवनीश अब पूछो क्या पूछ रहे थे सब करना देखो पहले दिन पे आपको हमने दिया था पहले दिन पे हमने आपको दिया था शब्दार्थ कठिन शब्द और कविता ये तीन काम दिया था आपको करने के लिए आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है पता नहीं हमें नहीं पता लेकिन हमने ये तीन काम आपको दिया था ठीक है और आज का काम जितना हमने 1-5 तक कराया पूरा कॉपी में होगा मैम 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 कर लिया वेरी गुड वेरी गुड कल तक वेरी गुड वेरी मैम मेरा जितने बच्चे कर लिए अच्छी बात है जो बच्चे नहीं किए आज पूरा कंप्लीट करो ठीक है मैम मेरा हो गया और कुछ पूछना है किसी को नो मैम चलिए नेक्स्ट शब्द भी लिखना है क्या चीज हम कठिन शब्द हाँ बेटा लिखना है चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे ठीक है ठीक है बच्चों